अरे साइड में कर ले, आराम से आराम से। भाई बैठा गया है देवेंद्र जिम का शुभारंभ यहाँ किया गया है उसके लिए पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई साधुवाद। देखिए जिम तो हर तरह के खुलते रहते हैं पर इस जिम की शुरुआत में और आगे चलते हुए भी यहाँ पे एक विशेष उपलक्ष्य और एक विशेष कार्य किया जाएगा। हमारे नौजवान भिवानी के नौजवान शारीरिक रूप से तो मजबूत हो ही हो पर मानसिक रूप से भी मजबूत रहे उसके लिए यहाँ पे एक मुहिम का भी आज शुरुआत की गई है और एक कार्य किया गया है जिसमें भगत सिंह जी के ओरिजिनल चित्र दिए गए हैं घरों में लगाने के लिए उन सभी मेंबरों को और सारे साथियों को, और जिसकी मुहिम का नाम है मेरा परिवार भगत सिंह का परिवार। क्योंकि मेरा मानना यह है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूं, आप सब भी उनके वारिस हैं और आप सब भी उनके वंशज हैं। भिवानी के साथ मेरा रिश्ता कोई आज का नहीं है, बहुत साल पहले तकरीबन 2005 में
मेरा भिवानी में आना हुआ था, लोहारू में एक भगत सिंह जी के चौक की स्थापना की गई थी, मुझे मेरे पिताजी के साथ यहाँ आने का अवसर मिला था। पर मैं कहूँगा, तब मैं 21-22 साल का था जब मैं यहाँ आया था। यहाँ की मिट्टी का जब मैंने तिलक किया, यहाँ के समाज के जब विचारों को सुना मैंने, तो मेरे दिल से यही आवाज़ निकलती है। हरियाणा में कहीं पे भी जाता हूँ या कहीं भी लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं उनको हमेशा यही बात कहता हूँ, अगर हमारा भगत सिंह का परिवार या भगत सिंह का एक घर या अगर हमारा कोई पैतृक गांव पंजाब में खटखट कला है, और अगर हरियाणा में भगत सिंह का कोई घर या कोई गांव या कोई जिला है, तो वो कोई और नहीं भिवानी है, वो आप लोग हो भगत सिंह का घर। क्योंकि मेरा यही मानना है, उनके विचारों पे चलने वाले यहाँ जागृत समाज के आप सारे नौजवान, आप सारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि यहाँ से हमने शहीदों के सम्मान के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है, उन कार्यक्रमों ने आगे जाके पूरे हरियाणा का मार्गदर्शन किया है। तो मेरा तो यही मानना है, भिवानी यानी भगत सिंह का घर, क्योंकि यहाँ पे उनके विचारों को चलने वाले उनके वारिस रहते हैं। जब सरहद की बात आती है, तो यहाँ के गाँव से निकले हुए बच्चे, यहाँ के शहर से निकले हुए बच्चे हमारी सरहद के वहाँ रक्षा करते हैं। तो एक बार उनके लिए भी, और हमारे जो किसान जो यहाँ पे जाए हर दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक नारा वो भी बुलंद करेंगे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज यही मुहिम लेके आपके बीच में आए हैं कि मेरा परिवार भगत सिंह परिवार क्यों। आज हम देखते हैं समाज में हर तरह का पतन आ रहा है, अगर हम बात करते हैं क्रांतिकारी शहीदों की या भगत सिंह की, अगर हम बात करते हैं भगत सिंह, तो हर कोई कहता है ऐसा बेटा होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की भी ऐसा, हम कहें कि दोस्त कैसा होना चाहिए, तो लोग कहेंगे भगत सिंह जैसा होना चाहिए। दोस्त कैसा होना चाहिए, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जैसा होना चाहिए, जो अंतिम समय के फांसी के फंदे को चूमते हुए भी हटे नहीं और एक दूसरे के हाथ पकड़े रहे। बेटा कैसा होना चाहिए, भगत सिंह जैसा होना चाहिए। देश का नागरिक कैसा होना चाहिए, भगत सिंह जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए देश का नौजवान का चरित्र कैसा होना चाहिए, भगत सिंह जैसा होना चाहिए। जो आज हम अपनी सभ्यताओं से यहाँ से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य के लिए आप सबको आज शहीद आजम भगत सिंह जी के ओरिजिनल चित्र दिए गए हैं। हम लोगों ने कैलेंडर वाले चित्र देखे होंगे, आज जो आपके हाथ में जो तस्वीर है वो भगत सिंह जी की ओरिजिनल तस्वीर है। एक उनकी पगड़ी वाली है और एक उनकी हैट वाली है जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका था। और तो और इसमें विशेष बात यह है, इसमें उसके हस्ताक्षर भी है, भगत सिंह जी के हस्ताक्षर के साथ ये चित्र है। क्योंकि जब जेल के अंदर भगत सिंह हुआ करते थे, तो मेरे दादाजी यानी कुलवीर सिंह जी, जो भगत सिंह जी के सगे छोटे भाई थे, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कई किताबों में उसका उल्लेख भी आता है, जब भगत सिंह कहते हैं, माँ मेरी लाश को लेने तुम मत आना, माँ मेरी लाश को लेने तुम मत आना, तुम आई और कहीं रो पड़ी तो लोग कहेंगे देखो भगत सिंह की माँ रो रही है, मैं ऐसा नहीं चाहता, आप मेरी लाश को लेने छोटे भाई कुलवीर को भेज देना। तब उस वक्त वो 10 साल के थे, तो उन्होंने एक महज एक यादगार के रूप में उनके एक फोटोग्राफ लिए थे भगत सिंह जी की तस्वीर में। तो जैसे मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि भगत सिंह जी का मैं अकेला वारिस नहीं, इसीलिए ये अनमोल धरोहर आज आप सबके साथ साझा करी है, उनके ओरिजिनल तस्वीर के साथ और उनके हस्ताक्षरों के साथ, ताकि आप लोग भी अपने घरों में लगाएं और मान के साथ कह सकें, हाँ ये वो शहीद था, आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा सकें। क्योंकि आज लोग इन शहीदों के बारे में भूलते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो मैं तो उस अनिल जी के परिवार को और सोम जी के और सारे जितने भी यहाँ परिवार अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लाए हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। और एक बार आप लोगों ने अपने लिए तालियां बजानी है, जो आज ये अभियान हमने मेरा परिवार भगत सिंह परिवार बनाया है, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आज हम सबने टाइम निकाला है। आज रविवार का दिन था, आप लोग भी घर पर आराम कर सकते थे, पर नहीं, आज आपने एक नया प्रयास किया है, मेरा परिवार भगत सिंह का परिवार, यानी देश से प्यार करने वाले का परिवार। तो आज इस मुहिम को आगाज किया गया है, मैं उम्मीद करूंगा और मैं तो आशा करता हूं, और मैं क्या कहते हैं, ये चाहता हूं कि एक संस्था बने भिवानी, भिवानी ऐसी संस्था बने जो पूरे हरियाणा का नेतृत्व करे विचारों के साथ, देश से प्यार करने के साथ, भगत सिंह का विचारों के साथ, भिवानी ऐसी संस्था बने, एक ऐसा प्रयोजन बने भिवानी जो पूरे हरियाणा का नेतृत्व करे, और वही पूरा हरियाणा पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करे, जो हमारा सबका सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। उसको बनाने के लिए यहाँ का जागृत समाज बहुत अहम योगदान दे सकता है। मैं एक वो टोली बनाने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ, जिसमें था मेरा रंग दे बसंती चोला,
मेरा रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, वो टोली मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूँ। एक हिंदुस्तान में शहीदों के सम्मान के लिए, या जो हिंदुस्तान हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था यातनाएं लेते हुए जेलों के अंदर, वो बनाने के लिए आपका साथ चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा आप लोग वो साथ देंगे। आप लोगों ने जब जब भी साथ दिया है हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तालू के गांव के हमारे कुछ साथी यहाँ बैठे भी हुए हैं और कुछ और भी आए हुए हैं, सोनू वगैरह भी आए हुए हैं। कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, सामने बैठे हैं महादेव के भक्त, शिव जी की आराधना के लिए कांवड़ यात्रा निकाला करते हैं। पर तालू गांव से एक हमने मुहिम शुरू करी थी, एक कांवड़ा यात्रा निकाली गई थी भगत सिंह जी की समाधि से। यहाँ आप सारे लोग बैठे हैं, शायद कोई जानता है भगत सिंह जी की समाधि कहाँ पे है, शहीद आजम भगत सिंह जी और राजगुरु जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, कोई जानता है हमारा साथी यहाँ पे, शायद नहीं जानता। इसी चीज को ठीक करने के लिए कांवड़ यात्रा निकाली गई थी तालू गांव के नौजवानों द्वारा और भिवानी के नौजवानों द्वारा। भगत सिंह जी की समाधि हिंदुस्तान के अंदर ही है, फिरोजपुर वो जगह है जहाँ भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि है, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। जैसे आप पंजाब में अटारी बॉर्डर देखते हैं अमृतसर में, ऐसे ही पंजाब में एक और बॉर्डर है हुसैनी वाला, जहाँ भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि है, वहाँ उनकी माता जी की भी समाधि है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे वो जगह बनी हुई है। मैं तो ये कहूँगा जीवन काल में एक बार आप खुद भी जाइए और अपने इन बच्चों को भी वहाँ पे लेके जाइए, वहाँ पे उनकी आत्मा बसती है, उसी धरती के अंदर उनका लहू गिरा हुआ है, तो एक बार जाके उसको नमन करके जरूर आइए। तो एक प्रयास किया गया था तालू गाँव से कांवड़ यात्रा के रूप में, वहाँ से मिट्टी लाई गई थी उनकी समाधि से, और भागते हुए हम पूरा पंजाब, आधा पंजाब पार करते हुए या आधा हरियाणा या दक्षिण हरियाणा पार करते हुए जब आए तो रास्ते में लोगों ने रुक रुक के इनसे पूछा ये क्या है कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ये क्या करना चाह रही है। तो बताया गया कि भगत सिंह जी की समाधि से हम मिट्टी ला रहे हैं और अपने यहाँ पे एक हम शहीद आजम की प्रतिमा लगाएंगे भगत सिंह जी की और उसमें इस मिट्टी की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक प्रयास किया गया। उसके बाद हरियाणा के कोने कोने से मुझे फ़ोन आए कि हम भी इस तरह का प्रयास करना चाहते हैं। तो वो रास्ता किसने दिखाया? भिवानी के जागृत समाज ने दिखाया। आप लोगों ने उस रास्ते को दिखाया। यहाँ हमने जब शहीदों की मूर्तियाँ लगाना शुरू करी, कभी दो लगाते थे कभी तीन लगाते थे, ऐसे ही प्रभावित होकर हरियाणा में जगह है सिरसा, वहाँ पे भी एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 16 शहीदों की अलग अलग मूर्तियाँ 16 अलग अलग गाँव में 11 घंटे के अंदर लगाई गई 23 मई 2018 को, और ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया। पर उसकी भी पहल कहीं ना कहीं सोच की पहल भिवानी से दिखाई गई। तो भिवानी ने हमेशा रास्ता दिखाया है। और तो और, जैसे मैंने कहा, लोग कहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर पे हो, ये विचार, ये गलत विचार या गलत ख्याल समाज से दूर करने के लिए अगर मेरे मन में कहीं से आवाज़ आई कि कहाँ पे ये कार्यक्रम किया जाए जिसका नाम हो मैं बनूंगा भगत सिंह, यानी मेरे अंदर है भगत सिंह, वो जज्बा मेरे अंदर है, तो पहल के लिए मेरे मन से आवाज़ आई, क्योंकि मैंने कहा मैं यहाँ पे आना लग गया था। यहाँ के समाज से मुझे फ़ोन आता है कि हम ये कार्यक्रम करना चाहते हैं शहीदों के सम्मान में या युवाओं को जोड़ना चाहते हैं। तो हमने एक कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया चरखी दादरी के अंदर, वही भिवानी का हिस्सा था, जिला बन गया, पर विचारधारा के हिसाब से तो वहाँ पे भी लोग हमारे जैसे ही हैं। चरखी दादरी में 10 अगस्त 2019 वहाँ की अनाज मंडी के अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया भगत सिंह जी के दो स्वरूप हम यहाँ देख रहे हैं, एक पगड़ी वाला और एक हैट वाला है, जो उनका पगड़ी वाला स्वरूप ऐसे लड़ छोड़ के और इस तरह की बसंती पगड़ी पहन के और सफ़ेद रंग का कुर्ता पहन के, मैंने अपील करी कि हम सबने वहाँ इकट्ठा होना है। इसमें कुछ साथी यहाँ से शामिल भी हुए थे जो उस इतिहास के गवाह भी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे शायद वहाँ पे 100 लोग आ गए होंगे, 1000 2000 3000 4000 लोग आ गए होंगे, पर मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान की जो 70 साल में माँ भारती जिसका इंतजार कर रही है, या जिन लोगों ने ये गलत बात फैला रखी है भगत सिंह तो पैदा हो पर पड़ोसी के घर पे पैदा हो, उसको ठीक करने के लिए भिवानी के जागृत समाज में से मैं आपको बताता हूँ 35,000 युवा वहां इकट्ठा हो गए थे और विश्व रिकॉर्ड बना दिया था कि मैं हूँ वो भगत सिंह जिसको 70 साल से माँ भारती इंतजार कर रही है। ये सब चीजें यहाँ से की गई है और उसको देख के कितने लोगों ने इंटरनेट पे इंस्पायर हुए हैं। कोई भोपाल में कार्यक्रम कर रहा है, कोई गुजरात में कार्यक्रम कर रहा है कि इस तरह का आयोजन हम भी कुछ इस तरह का करें ताकि बच्चों का भगत सिंह के साथ नाता जुड़ सके। और भगत सिंह से नाता जोड़ना अपने देश को सुरक्षित करने का मतलब होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक विचार लेके आपके बीच में आया हूं, एक संकल्प लेके आपके बीच में आया हूं कि क्यों ना एक प्रयास किया जाए कि भिवानी एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाए
शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के साथ मिलके, मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ मिलके, हम सब मिलके, जिस बात का मुझे अभिमान और मान है कि भिवानी भगत सिंह का घर है, उस मुहिम को हम लोग चलाएंगे और भिवानी पूरे हरियाणा का नेतृत्व करे और हरियाणा जो हम विश्वगुरु बनना चाहता है, हमारी भारत माँ, उसको बनाने का नेतृत्व करे, उसमें आप सबका साथ चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम सभी एक शपथ लेंगे, अभी हम सब एक शपथ लेंगे, सभी एक एक और थोड़ा सा छोड़ा कर ले, प्लीज अनुरोध है आपसे, सभी आ जाएंगे। लला लगाइए बात, आप तो सभी साथी अपना एक एक हाथ थोड़ा आगे की तरफ कर ले, क्योंकि आज हम विधिवत रूप से एक संकल्प लेंगे, एक संकल्प लेंगे कि मेरा परिवार भगत सिंह का परिवार, और अभी हम विधिवत रूप से इसको सुचारू रूप से शुरू कर रहे हैं, मेरा परिवार भगत सिंह परिवार, भगत सिंह परिवार, मेरा परिवार 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 भगत सिंह परिवार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद दादा भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, शहीद दादा भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। साथियों, इस मुहिम के साथ में हम अपने अपने गांव, अपनी अपनी ढाणी, अपने अपने